फैजाबाद में बछड़ा सुल्तानपुर रेलवे ट्रैक पर अर्धनग्न अवस्था में घायल युवती मिली, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि युवती कल शाम से ही घर से गायब थी और बलात्कार की आशंका भी जताई जा रही है। डॉक्टर ने फोन किया कि मनीषा नाम की लड़की आपके परिवार की है, बोले हाँ है, तो बोले कि इमरजेंसी वार्ड में वो एडमिट है, आप आइए, उसका जो इलाज चल रहा है ठीक ठाक, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम लोग आए हैं यहाँ, उसको ये मुलाकात हुई, कल 2:30 बजे वो निकली है घर से बिना किसी को बताए, फिर खोजबीन जारी किया माँ और बाल ने, घर का पता क्या कहीं पता नहीं लग रहा था, तो हम लोग थाने में जाने वाले थे कि उसकी रिपोर्ट लिखाएं, तो सुबह ये तैयार हो रहे थे कि थाने में जाने के लिए, इतने यहाँ से इमरजेंसी वार्ड से डॉक्टर ने फ़ोन किया, तो हम डॉक्टर के बताए परिवार से चले। महिला की उम्र क्या थी? लड़की की उम्र 18। गांव है साणपुर, थाना दुबौलिया, जनपद बस्ती की रहने वाली है। माता जी के परिजन भी आ गए हैं, हम लोगों ने सूचना दी। रेलवे ट्रैक के पास कोई घायल अवस्था में पड़ा है, PRB 904 इनको ले आई जिला अस्पताल, फिर हम लोग सूचना मिली, तो प्राइमा फेसिया बातचीत से पता चला, इनकी माता जी कहना है कि कल 21/9 को 3 में लगभग 2:30 बजे अपने घर से माता जी से कह के निकली थी कि जरा बाहर जा रहे हैं, और जब काफ़ी देर तक नहीं आई तो उन्होंने बहुत ढूंढना चालू किया। लड़का मुझे मोटरसाइकिल पे बैठाया, उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ होश और जानकारी नहीं है, और इनको एडमिट कराया गया, अभी इनका मेडिकल होगा, बाह्य चोट तो कोई नहीं है। ट्वेंटी फोर आवर्स टुडे न्यूज को सब्सक्राइब करें और रेगुलर न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए।